तो किसान आंदोलन के मसले पर भी हम आगे आपको और जानकारी देंगे, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे हैं, आपको ले चल रहे कार्यक्रम में। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर वीके जैन जी, अन्य फैकल्टी मेंबर्स और तेजपुर यूनिवर्सिटी के तेजस्वी टैलेंटेड मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज 1200 से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए जीवन भर याद रहने वाला क्षण है। आपके शिक्षक प्रोफेसर्स, आपके माता पिता के लिए आज का दिन बहुत अहम है, और सबसे बड़ी बात कि आज से आपके करियर के साथ तेजपुर यूनिवर्सिटी का नाम हमेशा के लिए जुड़ गया है। आप आज जितना खुश है उतना ही मैं भी हूं। आज आप अपने भविष्य को लेकर जितनी आशा से भरे हुए हैं उतना ही मेरा आप सब पर अपार विश्वास है। मुझे भरोसा है कि आपने तेजपुर में रहते हुए तेजपुर यूनिवर्सिटी में जो सीखा है वो असम की प्रगति को, देश की प्रगति को गति देगा, नई ऊंचाई देगा। साथियों, इस भरोसे की कई वजह भी हैं। पहला, तेजपुर का यह ऐतिहासिक स्थान इसके पौराणिक इतिहास से मिलने वाली प्रेरणा। दूसरा, तेजपुर विश्वविद्यालय में आप जो काम कर रहे हैं वो मुझे बताया गया है कि वो बहुत ही उत्साह जगाता है। और तीसरा, पूर्वी भारत के सामर्थ्य पर यहां के लोगों, यहां के नौजवानों की क्षमताओं पर, राष्ट्र निर्माण के उनके प्रयासों पर सिर्फ मेरा ही नहीं देश का भी अटूट विश्वास है। साथियों, अभी अवार्ड और मेडल देने से पहले जो यूनिवर्सिटी एंथम गाया गया है उसमें निहित भाव तेजपुर के महान इतिहास को नमन करता है। मैं इसकी कुछ पंक्तियां दोहराना चाहता हूं, और इसलिए भी दोहराना चाहता हूं क्योंकि ये असम के गौरव भारत रत्न भूपेन हजारिका जी ने लिखी है। उन्होंने लिखा है, अग्नि गडर स्थापत्य, कलिया भोमोरार सेतु निर्माण, ज्ञान ज्योतिर्मय स्थेई स्थानते विराज से तेजपुर विश्वविद्यालय। यानी जहां अग्निगढ़ जैसा स्थापत्य हो, जहां कलिया भोमरा सेतु हो, जहां ज्ञान की ज्योति हो, ऐसे स्थान पर विराजमान है तेजपुर विश्वविद्यालय। इन तीन पंक्तियों में भूपेन दा ने कितना कुछ वर्णित कर दिया है। अग्निगढ़ का राजकुमार अनिरुद्ध, राजकुमारी उषा, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा इतिहास, महान ओहोम सुरवीर कलिया भोमारा फुकुन की दृढ़दृष्टि, ज्ञान का भंडार, ये
तेजपुर की प्रेरणा है। भूपेंद्र के साथ ही ज्योति प्रसाद अग्रवाल, विष्णु प्रसाद राभा ऐसे महान व्यक्तित्व तेजपुर की पहचान रहे हैं। आप इनकी कर्मभूमि में, जन्मभूमि में पड़े हैं और इसलिए आप में गर्व का भाव होना और गौरव के कारण आत्मविश्वास से भरा हुआ आपका जीवन होना ये बहुत स्वाभाविक है। साथियों, हमारा देश इस वर्ष अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहा है। सैकड़ों वर्षों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए असम के अनगिनत लोगों का योगदान है। जो उस समय थे उन्होंने देश की आजादी के लिए जीवन दे दिया, अपनी जवानी खपा दी। अब आपको नए भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए जी करके दिखाना है, जीवन को सार्थक करके दिखाना है। अब से लेकर भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक ये 25-26 साल आपके जीवन के भी स्वर्णिम वर्ष है। आप कल्पना कीजिए, 1920-21 में जो नौजवान, जो बेटी आपकी उम्र की होगी, आज आप जिस उम्र के होंगे, 1920-21 के कालखंड में वो क्या सपने देखते होंगे, वो अपने किन बातों के लिए जीवन ढालते होंगे, किन कामों की पूर्ति के लिए अपने आप को खपाते होंगे। अगर थोड़ा सा स्मरण करें, 100 साल पहले आप ही की उम्र के लोग क्या करते थे, तो आज आगे के लिए आपको क्या करना ये सोचने में देर नहीं लगेगी। ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है। तेजपुर का तेज पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैलाइए। असम को, नॉर्थ ईस्ट को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। हमारी सरकार आज जिस तरह नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुटी है, जिस तरह कनेक्टिविटी, एजुकेशन, हेल्थ हर सेक्टर में काम हो रहा है, उससे आपके लिए अनेकों नई संभावनाएं बन रही हैं। इन संभावनाओं का पूरा लाभ उठाइए। आपके प्रयास ये बताते हैं कि आप में क्षमता भी है, नया सोचने, नया करने का सामर्थ्य भी है। साथियों, तेजपुर यूनिवर्सिटी की एक पहचान अपने इनोवेशन सेंटर के लिए भी है। आपके ग्रासरूट इनोवेशंस वोकल फॉर लोकल को भी नई गति देते हैं, नई ताकत देते हैं। ये इनोवेशंस स्थानीय समस्याओं को सुलझाने में काम आ रहे हैं, जिससे विकास के नए द्वार खुल रहे हैं। अब जैसे मुझे बताया गया कि आपके डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल साइंस ने पीने के पानी को साफ करने के लिए एक कम कीमत वाली आसान टेक्नोलॉजी पर काम किया है। इसका लाभ असम के अनेक गांवों को हो रहा है। बल्कि मुझे तो ये बताया गया कि अब ये नई टेक्नोलॉजी छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, बिहार में, कर्नाटका, राजस्थान,
जैसे राज्यों तक भी पहुंच रही है, मतलब ये आपकी कीर्ति पताका फैल रही है। भारत में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के विकास से हर घर जल पहुंचाने का जल जीवन मिशन को जो सपना है उसको एक सशक्तिकरण होगा। साथियों, पानी के अलावा गांवों में वेस्ट टू एनर्जी, कचरे से कंचन, इसमें बदलने का जो बीड़ा आपने उठाया है उसका प्रभाव भी बहुत बड़ा है। फसलों के अवशेष हमारे किसानों और हमारे पर्यावरण दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से जुड़ी एक सस्ती और प्रभावी टेक्नोलॉजी को उसको लेकर जो काम आप अपनी यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं उससे देश की एक बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है। साथियों, मुझे ये भी जानकारी दी गई है कि तेजपुर यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट की बायोडायवर्सिटी और रिच हेरिटेज को संरक्षित करने का भी अभियान चला रही है। नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी समाज की वो भाषाएं जिन पर विलुप्त होने का खतरा है उनको डॉक्यूमेंट करना बहुत सराहनीय काम है। इसी तरह संत श्रीमंत शंकरदेव जी की जन्मभूमि नौगांव के बातादरव स्थान में सदियों पुरानी लकड़ी पर उकेरी गई कला का उसका प्रिजर्वेशन हो, या फिर गुलामी के कालखंड में लिखी गई असम की किताबों और पेपर्स का डिजिटलीकरण हो, अब वाकई इतने विविध कामों पर लगे हुए हैं, कोई भी इसको सुनेगा उसको गर्व होगा कि इतना दूर हिंदुस्तान के पूर्वी छोर पर तेजपुर में ये तपस्या हो रही है, साधना हो रही है। आप वाकई कमाल कर रहे हैं। साथियों, मैंने जब इतना कुछ जाना तो मन में ये सवाल भी आया कि स्थानीय विषयों पर, स्थानीय आवश्यकताओं पर इतना काम, इतनी रिसर्च करने की प्रेरणा आपको कहां से मिलती है। इसका जवाब भी तेजपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में ही है। अब जैसे आपके हॉस्टल्स चराईदेव, नीलांचल, कंचनजंगा, पटकाई, धानसिरी, सुबनसिरी, कोपिली, ये सभी पर्वतों, चोटियों और नदियों के नाम पर है। और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जीवन की जीती जागती प्रेरणा भी है। जीवन यात्रा में हमें अनेक मुश्किलों, अनेक पर्वतों का सामना करना पड़ता है, कई नदियों को पार करना पड़ता है, एक बार का काम नहीं होता। आप एक पर्वत चढ़ते हैं तो फिर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, हर पर्वतारोहण के साथ आपकी जानकारी भी बढ़ती है, आपका एक्सपर्टाइज भी बढ़ती है और नई चुनौतियों को लेकर आपका पर्सपेक्टिव तैयार हो जाता है। इसी तरह नदियां भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। नदियां कई सहायक धाराओं से मिलकर बनती हैं और फिर समंदर में मिल जाती है। हमें भी जीवन में अलग अलग लोगों से ज्ञान लेना चाहिए, सीखना चाहिए और उस सीख के साथ आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। साथियों, जब आप इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो असम नॉर्थ ईस्ट देश के विकास में अपना योगदान दे पाएगा। आपने देखा होगा कोरोना के इस काल में आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारी वोकैबुलरी का अहम हिस्सा हो चुका है, हमारे सपनों के अंदर वो घुल मिल गया है। हमारा पुरुषार्थ, हमारे संकल्प, हमारी सिद्धि, हमारे प्रयास, सब कुछ उसके इर्द गिर्द
हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये अभियान है क्या? आखिर बदलाव क्या हुआ रहा है? क्या ये बदलाव सिर्फ रिसोर्सेज में है? क्या ये बदलाव सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में है? क्या ये बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी में है? क्या बदलाव सिर्फ बढ़ती इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक माइट का है? ऐसे हर सवाल का जवाब हाँ में है, लेकिन इनमें से भी जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो है इंस्टिंक्ट का, एक्शन और रिएक्शन के नजरिए का है। हर चुनौती, हर समस्या से निपटने का हमारे युवा देश का अंदाज, देश का मिजाज अब कुछ हटकर है। इसका एक ताजा उदाहरण तो अभी हमें क्रिकेट की दुनिया में देखा है। आप लोगों में से बहुतों ने भारतीय क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया टूर को फॉलो किया होगा। इस टूर में क्या क्या चुनौतियां हमारी टीम के सामने नहीं आई। हमारी इतनी बुरी हार हुई, लेकिन उतनी ही तेजी से हम उभरे भी और अगले मैच में जीत हासिल की। चोट लगने के बावजूद हमारे खिलाड़ी मैच बचाने के लिए मैदान पर डटे रहे। चैलेंजिंग कंडीशंस, इसमें निराश होने के बजाय हमारे युवा खिलाड़ियों ने चैलेंज का सामना किया, नए समाधान तलाशे। कुछ खिलाड़ियों में अनुभव जरूर कम था, लेकिन हौसला उतना ही बुलंद दिखा। उनको जैसे ही मौका मिला, उन्होंने इतिहास बना दिया। एक बेहतर टीम को अपने टैलेंट और अपने टेम्परामेंट में वो ताकत थी, जिससे उन्होंने इतने अनुभवी टीम को, इतने पुराने खिलाड़ियों की टीम को पराजित कर दिया। युवा साथियों, क्रिकेट के मैदान पर हमारे खिलाड़ियों की ये परफॉर्मेंस सिर्फ स्पोर्ट्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन भी है। पहला लेसन ये कि हमने अपनी एबिलिटी पर विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा लेसन हमारे माइंडसेट को लेकर है। हम अगर पॉजिटिव माइंडसेट से लेकर आगे बढ़ते हैं तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगी। तीसरा और सबसे अहम लेसन, अगर आपके पास एक तरफ सेफ निकल जाने का ऑप्शन हो और दूसरी तरफ मुश्किल जीत का विकल्प हो, तो आपको विजय का ऑप्शन जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर जीतने की कोशिश में कभी कभार असफलता भी हाथ लगे तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। रिस्क लेने से, प्रयोग करने से डरना नहीं है। हमें प्रोएक्टिव और फियरलेस होना ही पड़ेगा। हमारे भीतर जो फेल्यूर का डर होता है, हम जो अननेसेसरी प्रेशर अपने ऊपर लेते हैं, उससे जब आप बाहर निकलेंगे तो फियरलेस बनकर उभरेंगे भी। साथियों, हौसले से भरा हुआ अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित भारत सिर्फ क्रिकेट की फील्ड पर दिखता है, ऐसा नहीं है। आप भी तो इसी ही एक तस्वीर है। आप आत्मविश्वास से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे हैं। आप लीड से हटकर सोचने और चलने में डरते नहीं हैं। आपके जैसे इसी युवा ऊर्जा ने कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई में ही भारत को बहुत मजबूती दी है। आपको याद होगा, इस लड़ाई की शुरुआत में ऐसी आशंकाएं जताई गई थी कि इतनी बड़ी आबादी वाला भारत रिसोर्सेज के अभाव में कोरोना से तबाह हो जाएगा, लेकिन भारत ने दिखाया कि रिजॉल्व और रेजिलियंस
अगर आपके पास है तो रिसोर्सेज तैयार होते देर नहीं लगती। भारत ने यही किया। भारत ने हालत से समझौता करने के बजाय मुसीबत बढ़े इसका इंतजार करने के बजाय तेजी से फैसले लिए, प्रोएक्टिव होकर फैसले लिए। इसी का परिणाम है कि भारत वायरस से ज्यादा प्रभावी रूप में बढ़ पाया, प्रभावी रूप से लड़ पाया। मेड इन इंडिया सॉल्यूशन से हमने वायरस के फैलाव को कम किया, अपने हेल्थ इंफ्रा को बेहतर किया। अब हमारे वैक्सीन से जुड़ी रिसर्च और प्रोडक्शन की क्षमता भारत के साथ साथ दुनिया के अनेक देशों को सुरक्षा कवच का विश्वास दे रही है। अगर हम अपने वैज्ञानिकों, अपने रिसर्चर्स, अपने स्कॉलर्स, अपने साइंटिस्ट, अपनी इंडस्ट्री की ताकत पर भरोसा ना करते तो क्या ये सफलता संभव हो पाती? और साथियों, सिर्फ हेल्थ सेक्टर ही क्यों, हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही लीजिए। अगर हम भी ये मानकर बैठ जाते कि भारत में लिटरेसी के अभाव में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डिजिटल लेनदेन संभव नहीं है, तो क्या कोरोना जैसे संकट में सरकार गरीब से गरीब तक इतने प्रभावी ढंग से पहुंच पाती? आज जिस फिनटेक में, डिजिटल इंक्लूजन में हम दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हैं, वो क्या कभी संभव हो पाता? आज का भारत समस्या के समाधान के लिए एक्सपेरिमेंट से भी नहीं डरता और बड़े स्केल पर काम करने से भी पीछे नहीं हटता। सबसे बड़ा बैंकिंग इंक्लूजन अभियान भारत में हो रहा है। टॉयलेट बनाने का सबसे बड़ा अभियान भारत में, हर गरीब परिवार को घर देने का अभियान भारत में, घर घर जल पहुंचाने का सबसे बड़ा अभियान भारत में, सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम भारत में, और अब सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी भारत में। इन सब का बहुत बड़ा लाभ नॉर्थ ईस्ट को हुआ है, असम के लोगों को हुआ है। ऐसे कार्यक्रम तभी चल सकते हैं जब देश और समाज आत्मविश्वास से भरा हो, देश यथास्थिति को बदलने के लिए, इनोवेट करने के लिए पूरी शक्ति लगा रहा हो। साथियों, आज जिस प्रकार दुनिया में, भारत में नई टेक्नोलॉजी का प्रसार हो रहा है, उससे हर क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा हो रही है। आज हम बिना ब्रांच के बैंक, बिना शोरूम के रिटेल बिजनेस, बिना डाइनिंग हॉल के क्लाउड किचन, ऐसे अनेक प्रयोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हैं। ऐसे में यह भी संभव है कि भविष्य की यूनिवर्सिटी पूरी तरह से वर्चुअल हो और दुनिया भर से स्टूडेंट्स और फैकल्टीज किसी भी यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन सके। इस प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे पास एक जरूरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना बहुत जरूरी है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से लगातार उसकी कोशिश की जा रही है। इस पॉलिसी में टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा उपयोग, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डाटा और डाटा एनालिटिक्स के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को तैयार करने पर बल देती है।
डाटा एनालिटिक्स की मदद से एडमिशन से लेकर टीचिंग और इवेल्यूशन तक पूरी प्रक्रिया बहुत बेहतर हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि तेजपुर यूनिवर्सिटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इन लक्ष्यों को सिद्ध करने में अहम भूमिका निभाएगी। मुझे तेजपुर यूनिवर्सिटी के ट्रैक रिकॉर्ड और उसके सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है और मैं अपने स्टूडेंट साथियों को ये बात विशेष तौर पर कहूंगा कि जब आपकी फॉर्मल एजुकेशन पूरी होती है तो आप सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के फ्यूचर के लिए काम करते हैं। आप बस एक बात याद रखें, अगर आपका पर्पज ऊंचा है तो आपको जीवन के उतार चढ़ाव से उतना असर नहीं पड़ेगा। आपके जीवन के आने वाले 25-26 साल आपके कैरियर के साथ साथ देश के भाग्य को भी तय करने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। 2047 जब देश आजादी का 100 साल मनाता होगा तो यही 25-26 साल का कालखंड आपके योगदान से, आपके पुरुषार्थ से, आपके सपनों से भरा हुआ होगा। रुक रहे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं इसी कार्यक्रम में।